अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, जो कि बहुत टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी है। सो लेट्स कुक। आधा किलो बोनलेस मटन कुकर में डालेंगे, एक कप चना दाल भीगी हुई, दो मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, चार हरी मिर्च, चार सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी छिली हुई अदरक, दालचीनी, दो बड़ा इलायचा, 5 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग लेंगे, 1 हैंड धनिया पत्ती, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप पानी, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे और फिर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है। अब चेक कर लेंगे मटन और दाल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इसे ठंडा कर लेंगे और अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों में तेल लगा लेंगे जिससे वो चिपके ना। अब इसको राउंड शेप दे देंगे। इसी तरीके से सारे बना लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसे शैलो फ्राई करेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो गया, अब हम इसमें शामी रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। शामी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे फ्लिप कर लेंगे। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। शामी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। शामी कबाब बन के रेडी है। आप इसे दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सो टेस्टी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये वाली रेसिपी नहीं देखी तो ये वीडियो ज़रूर देखिए।